सब्सक्राइब गुरु लाइफ एट टीचिंग को और बेल आइकन को प्रेस करो कंप्यूटर की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। बढ़ाइए अपने कंप्यूटर ज्ञान को हमारे साथ जो आजकल हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जरूरी है और जांचिए अपनी अपनी कंप्यूटर योग्यता लाइफ आई टीचिंग के साथ। कंप्यूटर सामान्य ज्ञान यूजफुल फॉर RSCIT बैंक पुलिस CSAT SSC RRB NDA CDA BEd LIC GIC फोर्स टीचर एग्जाम्स एक्स्ट्रा के लिए हम आपके लेके आए कंप्यूटर एग्जाम के लिए क्विज। सो गाइस पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेल की पूरी सीट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन Ctrl+Alt, Ctrl+A, Ctrl+D, Ctrl+M। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है अगर आप एक्सेल की सीट को सिलेक्ट ऑल करना चाहते हो तो आपको इसमें से कौन सी शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी। टाइम 5, 4, 3, 2, 1। आंसर Ctrl+A सिलेक्ट ऑल करने के लिए होता है। जरूरी नहीं आप इसका यूज एक्सेल में ही करें, इसका यूज आप हर एप्लीकेशन प्रोग्राम में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड आप यूज कर रहे हो और एमएस वर्ड के अंदर आपने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है उसे सिलेक्ट ऑल करना है तब भी आप Ctrl+A की प्रेस कर सकते हो। ये ओनली एक्सेल के लिए नहीं बनी हुई दोस्तों। और जैसे कि आप इस विंडो में देख सकते हो एक्सेल की सीट है वो सिलेक्ट होने के बाद में आपको इसे ब्लू से कलर की दिखाई देगी। जैसे ये सेल है ये नीले नीले से कलर में हो चुके हैं और वैसे अगर इनको सिलेक्ट नहीं किया होता तब ये इस टाइप से नहीं होते हैं। वो आप ट्राई करके देखिएगा अपने PC पे। और अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फैक्स मशीन क्या है? ऑप्शन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट या आउटपुट डिवाइस, या इसमें से कोई नहीं। मेरे ख्याल से आपने कभी फैक्स मशीन को नहीं देखा क्योंकि दोस्तों आपके जन्म के बाद में फैक्स मशीन यूज होना बंद हो चुकी है। तो चलिए टाइमिंग शुरू करते हैं 5, 4, 3, 2, 1। आंसर इनपुट या आउटपुट डिवाइस। जैसे कि दोस्तों आप पिक्चर में देख सकते हो यहाँ पे देखो टेलीफोन है और कीपैड भी दिया हुआ है और ऊपर जैसे प्रिंटर होता है वैसे लगा हुआ है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं फैक्स मशीन। यानी कि इसके द्वारा आप किसी लेटर को इसके अंदर डालेंगे और जिसको आप नंबर डायल करेंगे उसके पास भी ऐसी मशीन होगी और उसके पास ये लेटर वहां पे प्रिंट होके निकल जाएगा। यानी कि दोस्तों ये एक प्रकार का प्रिंटर भी होता है पर दोस्तों इसमें केवल वही प्रिंट होता है जो हम दूसरों को फैक्स करते हैं, न कि अपने जैसे कि नॉर्मल प्रिंटर होते हैं उस टाइप से इसका यूज हम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, माइक्रोफोन क्या है? ऑप्शन इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट या आउटपुट डिवाइस, या इसमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों माइक्रोफोन देखा क्या आपने कभी? चलिए टाइमिंग शुरू करते हैं फिर 5, 4, 3, 2, 1। आंसर इनपुट डिवाइस। जैसे दोस्तों जो माइक होता है नॉर्मल जो माइक होता है उसी को ही बोलते हैं इनपुट डिवाइस। और जो मेरी वॉइस है जो पहले मैंने रिकॉर्ड की जो आपको सुनाई दे रही है अभी ये भी दोस्तों माइक के द्वारा यानी कि माइक्रोफोन के द्वारा ही रिकॉर्ड की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हमारे द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कीबोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन क्वेरिटी कीबोर्ड, एजिलिटी कीबोर्ड, या इसमें से कोई नहीं। पर दोस्तों एक बात मैं आपे कंफर्म कर देता हूं, आपने ये क्वेश्चन पहले कभी भी नहीं पढ़ा है इतना तो मैं जानता हूं। तो चलिए दोस्तों टाइम शुरू करते हैं आपका 5, 4, 3, 2, 1। आंसर क्वालिटी कीबोर्ड। जी हाँ दोस्तों हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो होता है क्वालिटी कीबोर्ड। और आप अभी ये सोच रहे होंगे कि एजिलिटी कीबोर्ड ये कौन सा होता है। और दोस्तों अब आपको बताते हैं क्वालिटी और एजिलिटी कीबोर्ड में डिफरेंस क्या होता है। आपके सामने ये दो पिक दे रखी है, एक तो ऊपर वाली पिक है और एक नीचे वाली पिक है। तो दोस्तों ऊपर वाली जो पिक है वो तो अपना सामान्य कीबोर्ड है जो अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं, जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है वो ही है। और जो नीचे वाला कीबोर्ड है ना वो है एजिलिटी कीबोर्ड। अब आप इसको ध्यान से देखिए, इन दोनों में कोई फिलहाल कोई ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। एक तो आप देखिए इसके अंदर जो W की है नीचे वाले कीबोर्ड यानी कि एजिलिटी कीबोर्ड में W की देखो कहां पे दे रखी है और अपने वाले कीबोर्ड के अंदर देखो W की कहां पे दे रखी है। एक तो ये डिफरेंस होता है। और दोस्तों एक देखिए इसके अंदर जो अपना कीबोर्ड होता है उसके अंदर M की है वो N की के पास में है, पर जो एजिलिटी कीबोर्ड होता है उसमें देखिए M की कहां पे है, L के राइट साइड में आपको M मिलेगा।
तो दोस्तों यही जो अल्फाबेट की आगे पीछे दी होती है और इसके अंदर कुछ खास डिफरेंस नहीं होता है क्वेरिटी और एजेंटी कीबोर्ड के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेरिटी कीबोर्ड और एजेंटी कीबोर्ड क्या होती हैं। अगर दोस्तों आपको फिर भी कोई क्यूएन नहीं है आपका इससे संबंधित तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। CDRW में RW का क्या मतलब होता है? यानी कि दोस्तों CD तो आपको पता होगा CD की फुल फॉर्म क्या होती है, तो चलिए बता दीजिए। चलिए छोड़ो, मैं बता देता हूँ आपको CD की फुल फॉर्म। CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। और अब आपको बताना है कि RW, चूज कीजिए नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, री राइटेबल, रीड एंड राइट, री राइटेबल, रीड एंड वाइट, री वर्केबल, रीड एंड राइट। चलिए टाइम शुरू करते हैं फिर, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर री राइटेबल। जी हाँ दोस्तों, री राइटेबल का मतलब कि उसे हम दोबारा से लिख सकते हैं उसके अंदर मैटर जो होता है। और फिलहाल सीढ़ी तो आपने देखी होगी, वर्त आकार की होती है और बाकी क्या बताऊं, बहुत सारी चलती हैं, आप देख लीजिएगा मार्केट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा एंटीवायरस सिस्टम नहीं है? ऑप्शन स्ट्रिक्सनेट, नॉट्रॉन, MCFE, क्विकल। बताइए इसके अंदर से कौन सा एंटीवायरस सिस्टम या सॉफ्टवेयर नहीं है। 5, 4, 3, 2, 1। आंसर स्ट्रिक्सनेट। दोस्तों जो नीचे वाले तीन दे रखे हैं वो तो है एंटीवायरस प्रोग्राम, और मैंने इनके लोगो भी दे रखे हैं, आप इनके लोगो देख सकते हो। और जो फर्स्ट है वो होता है कंप्यूटर फोरम, यानी कि दोस्तों स्ट्रिक्सनेट है वो एक कंप्यूटर का वायरस है। ओके दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पर आपको मिलेगा मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल जिसपे मैं अपनी लाइफस्टाइल ब्लॉग वीडियो बनाता हूं। अगर आप उस चैनल को देखेंगे तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होगी दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, OCR का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निजर, ऑप्शनल करेक्टर रिकॉग्निजर, पहला और दूसरा दोनों, या इसमें से कोई नहीं। 5, 4, 3, 2, 1। एज वेल ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निजर। दोस्तों रिकॉग्निजर की जगह रिकॉग्निशन भी हो सकता है, तो आप उसका ध्यान रखें। और बाकी मैंने पिक्चर दे रखी है इसकी, आप पिक्चर को देख सकते हो। यानी कि दोस्तों इसका यूज करते हैं अगर आपने कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसे डिजिटल टेक्स्ट के रूप में कैसे अपने कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए OCR उपकरण का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, यूट्यूब साइट का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन वीडियो देखने के लिए, गाना देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए, या उपयोग सभी। तो दोस्तों आप इस वीडियो को कहां पे देख रहे हो, तो मैंने एक हिंट दी है, इसे आप पता लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो चलिए टाइम शुरू करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर वीडियो देखने के लिए। दोस्तों देखिए यूट्यूब का लोगो कैसा है, और हमारा इधर लाइफ आई टीचिंग यूट्यूब चैनल, तो उसको सब्सक्राइब करना बनता है दोस्तों इस क्वेश्चन के तौर पे। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ट्रांसफर को क्या कहते हैं? यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, पडियन गो, अपलोडिंग, RSS, एक्सोस्टिम, डाउनलोड। तो बताइए दोस्तों आपका इसमें से कौन सा आंसर है। चलिए टाइम शुरू करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर RSS। जी हाँ दोस्तों, यानी कि रिच साइट समरी इसकी फुल फॉर्म होती है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10, URL का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, या इसमें से कोई नहीं। चलिए फिर टाइम शुरू करते हैं, 5, 4, 3, 2, 1। आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक फोटो दिखाई दे रही है, और उसके अंदर देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक आयत दिया हुआ है रेड कलर का, जिसपे एरो का साइन भी है, जिसके अंदर लिखा हुआ है RAJResult.NIC.IN। तो दोस्तों ये जो नेम लिखा हुआ है इसी कहते हैं URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और ये हर साइट का होता है। सो गाइस,
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और वो लाइक बटन जो पड़ा पड़ा खराब हो गया है उसे आपको करना है ब्लू कलर का। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाइए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। एंड दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लगता है कि लाइफ एड टीचिंग आपके कंप्यूटर ज्ञान को इम्प्रूव कर रहा है तो वो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबा के जरूर जाना, और वो बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे ही मिल जाए।